हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों आज हम लोग जो है आप लोगों के लिए वे प्रश्न लेकर आए हैं जो आज से पहले बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न है। तो आप लोग इन सभी प्रश्न को देखिए और ध्यान से समझिए, और आप कहीं भी समझने में कमी होती है आपको या नहीं समझ पाते हैं तो उसके बारे में वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। हम आपके प्रॉब्लम को जरूर दोबारा पुनः उसी प्रश्न को या उसी टॉपिक को लेकर अगली वीडियो में आएंगे। और आप लोगों का कोई भी सवाल या राय हो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, उन सभी प्रॉब्लम्स का या आपके विचार का ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो लेकर आए हैं ये है आपका परसेंटेज से रिलेटेड है और लॉस परसेंट हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। कह रहा है हानि प्रतिशत क्या है। देखिए आगे जो एग्जाम आपका होगा बिहार पुलिस का या अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, उसमें भी प्रश्न जो है इसी पर आधारित हो सकता है, सेम क्वेश्चन नहीं हो, बस डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा। जैसे यहाँ पे हानि परसेंट हमको ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत क्या है। यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेच दिए गए। पहले क्वेश्चंस को समझिए और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए और उसको समझ के लिखिए। जैसे कह रहा है कितना केला खरीदा गया, खरीदा गया 96 केला है, लिखिए पहले खरीदे गए केले कितना है 96। अब देखिए कि 42 रुपया प्रति दर्जन की दर से, मतलब कि एक दर्जन जो है कितना रुपया में, एक दर्जन केला जो है 12 रुपया, नहीं नहीं 42 रुपया में, एक दर्जन केला 42 रुपया में। तो आप लोगों को पता है कि एक दर्जन में 12 केला होता है, कितना होता है एक दर्जन में 12 केले का मूल्य क्या हो जाएगा 42 रुपया, और तो एक केले का मूल्य क्या हो जाएगा, एक केले का मूल्य हो जाएगा 42/12, और खरीदा गया कितना टोटल 96 केला खरीदा गया है। 96 केले का मूल्य आप लोग इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किए होंगे, 96 गुना 42/12 हो जाएगा। तो ये 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12 12 8 96, तो यहाँ आपका टोटल जो है 96 केला का ओरिजिनल मूल निकल गया, जितना रुपया इन्वेस्ट किया गया, जितना में खरीदा गया है। 8 दुना 16 8 चौक 32 1 33, 336 रुपया में खरीदा लेकिन बेचा है कितना में 252 रुपया में, कितना का लॉस लगा है। तो 252 माइनस कीजिए आपको निकल जाएगा 6 से 2 गया 4 और 13 से 5 गया 8, ये 84 रुपया का लॉस लगा है। कितना पर, तो 336 पर। देखिए कॉस्ट प्राइस जो होता है जितना में हम लोग खरीदते हैं, 336 में खरीदा, और एक सेलिंग प्राइस होता है जिस पर हम लोग बेचते हैं, तो 252 बेचा गया है। तो हमेशा जो है आपको यदि फायदा भी होगा तो 336 से अधिक में बेचेगा तो फायदा होगा, 336 से कम बेचेगा तो घाटा होगा। यहाँ पर हमको परसेंटेज जो निकालना है, लॉस परसेंट मतलब हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि कितना हुआ है 84 रुपया का, और टोटल जो है वो कितना है रुपया 336 × 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ जो है 84 12 से कट रहा है तो ये भी 12 से कटेगा, 12 7 84 12 2 24 12 8 96, ये 7 1 बार में, यहाँ 4 बार में, फिर ये 4 एकम 4, ये 2 4 2 8 4 25, तो यहाँ पे टोटल जो 25 निकला, मतलब लॉस प्रतिशत जो हुआ कितना हुआ 25%। तो आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 25% का क्या हो गया यहाँ पे हानि हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, यदि समझ में नहीं आती है तो आप जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम दोबारा उस वीडियो को बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।